हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसे डेयरी प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रही हूँ जिसको हम किसी न किसी रूप में रोज़ाना खाते हैं। हम बात कर रहे हैं दही की। दही हमारे शरीर को ठंडक तो देती ही है, साथ ही इसके सेवन से आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है। दही का सेवन आपको गर्मी और बीमारी दोनों से बचाता है। दही में अच्छे बैक्टीरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो दही का सेवन करें। दही आपकी भूख को भी मिटाती है, इसलिए जो लोग डाइटिंग कर रहे हैं वो दही को अपने खाने में जरूर शामिल करें। नियमित दही के सेवन से वजन कंट्रोल में रहता है। तो चलिए देखते हैं किन चीजों को दही में मिलाकर खाएं तो इसका लाभ कई गुना बढ़ जाता है और आप शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर बनते हैं और आपको रोजमर्रा की समस्याओं से भी मुक्ति मिल जाती है। सबसे पहली चीज़ है दही और भुना जीरा। गर्मी में पेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है जिससे इनडाइजेशन हो जाता है। गर्मी में ज़्यादातर लोगों को खाना हजम नहीं होता जिससे उल्टी या दस्त जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी स्थिति में आप 2 चम्मच भुना और पिसा हुआ जीरा लेकर 1 कटोरी दही में मिलाकर खाएं। इससे आपकी पाचन क्रिया मजबूत होती है और पेट भी सही रहता है। इसके अलावा दही और पिसे हुए जीरे से वजन भी कम होता है क्योंकि ये कैलोरी को कम करने में बहुत मदद करता है। दही और शहद। अक्सर गर्मियों में अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है, इसमें दही और शहद से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे तो दही शरीर को ठंडक देती है, लेकिन अगर दही को शहद में मिलाकर खाएं तो इसके 10 गुना बेनिफिट्स हमारी हेल्थ को मिलते हैं और ये एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। शहद को दही में मिलाकर खाने से मुंह का अल्सर ठीक हो जाता है और मुंह से जुड़ी कई तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। दही और काला नमक। आजकल हर कोई कॉन्स्टिपेशन, गैस या फिर कब्ज की प्रॉब्लम से परेशान है। इसे छुटकारा पाने के लिए दही में काला नमक मिलाकर खाएं। इससे गैस और कब्ज से आपको छुटकारा मिलेगा। दही में 1 चुटकी काला नमक मिलाकर खाने से एक्स्ट्रा फैट भी बर्न होता है। इतना ही नहीं, इसमें मौजूद पोटेशियम और मैग्नीशियम दिल की तकलीफों से भी आपको बचा कर रखती हैं। दही और चीनी। दही में चीनी मिलाकर खाने से आपको यूरिन इन्फेक्शन से मुक्ति मिलती है। चीनी को दही में मिलाकर खाने से खून की कमी भी दूर होती है और शरीर में ताकत भी मिलती है। दही और काली मिर्च। अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है और आप तेज़ी से अपने वज़न को कंट्रोल करना चाहते हैं तो दही और काली मिर्च को 1 महीने तक नियमित सेवन करें। सबसे पहले काली मिर्च को जरा सा भूनकर उसको पीस लें। अब 1 कटोरी दही में थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चुटकी काला नमक मिलाकर रोज़ाना खाएं। इससे एक्स्ट्रा फैट बहुत जल्दी बर्न होता है और साथ ही कॉन्स्टिपेशन से भी आपको आराम मिलता है। दही और अजवाइन। अगर किसी को गर्मी में पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस सिचुएशन में आप दही में अजवाइन मिलाकर खा सकते हैं। इससे पाइल्स की समस्या दूर होती है। इतना ही नहीं, इस मिश्रण से दांतों का दर्द भी ठीक होता है और मुंह के छालों से भी छुटकारा मिलता है। दही और ड्राई फ्रूट्स। अगर किसी के शरीर में लंबे समय से कमज़ोरी है, दुबलापन है, वज़न बहुत ज़्यादा कम है या फिर हड्डियों में दर्द रहता है तो दही में ड्राई फ्रूट्स मिलाकर खाना चाहिए। 1 कटोरी दही में बादाम, काजू, किशमिश, खजूर, अखरोट और अंजीर मिलाकर के रोज़ाना नाश्ते में लें। इससे आपका वज़न भी बढ़ेगा और साथ ही आपकी मेमोरी भी तेज़ होगी। दही और फल। दही में आप फ्रूट्स को मिलाकर खा सकते हैं। अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स काट करके दही में मिला लीजिए। दही और फल को मिलाकर खाने से शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहती है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। दही और ओट्स। हड्डियों को मजबूती देने में दही बहुत मदद करती है और अगर इसमें ओट्स मिलाकर के खाए जाएं तो शरीर में कैल्शियम, पोटेशियम और प्रोटीन की कमी पूरी होती है और मसल्स भी स्ट्रॉन्ग बनती हैं। अगली चीज़ है दही और संतरा। अगर आपकी त्वचा बहुत ज़्यादा डल है, त्वचा में बिल्कुल भी निखार नहीं है तो दही में शहद और संतरा मिलाकर के खाएं। रोज़ाना इसे खाने से चेहरे का ग्लो भी बढ़ता है और आपकी स्किन की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है।
बच्चों को अगर दही में हल्दी और अदरक मिलाकर खिलाएं तो इससे उनमें फॉलिक एसिड की कमी पूरी होती है। बच्चों के आहार में शुरू से ही दही को शामिल करें, इससे उनका वजन भी बढ़ता है और शरीर भी मजबूत बनता है। दही खाने से व्हाइट ब्लड सेल्स मजबूत होते हैं जो कि शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि दही को खाने के कितने सारे फायदे हमारे शरीर को मिलते हैं। दही के नियमित सेवन से आप बहुत सारी अनदेखी बीमारियों से बच सकते हैं, इसलिए रोजाना एक कटोरी दही को अपने खाने में जरूर शामिल करें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं फिर से न्यू वीडियो के साथ आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।